हाथ नहीं छोड़ेंगे साले को। प्रणव का जीवन बिल्कुल अकेला और दुखी हो गया है। जो जना स्कूल में हर चीज में अच्छा किया करता था, वो कॉलेज में आकर इसी का प्रेशर ले लेकर बिल्कुल फीका पड़ गया है। रोहित हर चीज बेफिक्र रहकर करता था, इसलिए वो हर चीज अच्छे से कर पाता था। प्रणव घर जाकर पूरे समय पढ़ाई किया करता था, वहीं रोहित गेम्स खेलकर, गाने सुनकर और पढ़ाई कर शांति से सो जाता था। प्रणव को इस पढ़ाई के ही बोझ की वजह से नींद नहीं आया करती थी, उसकी रात को नींद बार बार खुल जाती थी। हेलो मम्मी। पकड़ भाई जल्दी। रोहित को देखा है? पता नहीं। देखा है? अंधा है क्या? देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा? नहीं देखा? पक्का? नहीं देखा है। ठीक है। है बोलो। करे कि नहीं? अरे कुछ तो बोल। भाई थैंक यू वेरी मच, तुमने बचा लिया। भाई तुमने नहीं बोला ना? भाई मैंने सुना। थैंक यू। भाई अगर तू नहीं होता वो सही मैं उनको पीट डालते। वो विकी तो भाई अलग ही। थैंक यू वेरी मच बचाने के लिए। अरे क्या फिश? अरे ब्रो फिश ब्रो, क्या कर रहे हैं? और ये पूरा टाइम ना पढ़ाई कब किया कर और थोड़ा मजा किया कर लाइफ में। मजा करने से मेरा काम नहीं हो जाएगा। अबे यार ये सब मत सोच, काम होता रहेगा, थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना भी। यहाँ पे भी भाई कॉलेज में पढ़ रहा है, तू हॉस्टल पे पढ़ रहा है, अब तू सीजी पे भी पढ़ी रहा है। तू जरा यहाँ पे आजू बाजू माहौल तो देख। यहाँ पे लोग खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पे लोग फिटनेस के लिए आते हैं, यहाँ पे लोग बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए आते हैं। यहाँ पे भी तेरे को यही करना है? या तो तू पढ़ता होता या लोड ले रहा होता है। भाई मैं सच बता, तू बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है। काम कर, मैं देखो ना थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा चिल मारना किसे बोलता है। मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलूंगा, चल आ खड़ा हो। अरे रोहित भाई। हेलो भाई। अरे मेरे भाई कैसा है? कैसा है? बढ़िया। अरे एकदम देख भाई मिल, ये सब मेरे दोस्त हैं, आओ बैठो। अरे रोहित भाई बाहर का भी आ गया देखो। अरे बाहर का आजा भाई बैठ आजा आओ बैठो। देख भाई आज सुबह मैं 3 घंटा क्रिकेट खेल के आया, अभी 3 घंटा पढ़ाई कर ली, अब आज रात को आराम से होलिका दहन में मजे करूंगा और रात को वापस पढ़ लूंगा। हां भाई आज तो होलिका दहन में मजा आएगा भाई, आज पूजा उजा सब करेंगे, मजा आएगा। भाई तो भाई तो आ रहा कि नहीं आज होलिका दहन पे? भाई मेरे सामने क्या देख रहे तू? फिर आ रहा है ना भाई? हां अरे आएगा ही ना, किधर जाएगा भाई। चल मैं आता हूं। हां देख एक्सपीरियंस ले, अच्छा लगेगा तेरे। और होली के दहन के दिन प्रणव के सोच में बदलाव आने लगा। कल का क्या प्लान है? कल देखते हैं, अभी जो हो रहा है वो एंजॉय करते हैं। गुड ग्रेट, यही चाहिए था। जिस मोमेंट में है वो मोमेंट को एंजॉय कर, और ये इतना तो सही है। मतलब क्या ही, अभी देखो इतना प्रॉब्लम्स जो तू इतना तुझे खुद में तूने दिमाग में बना के रखी थी, अब तेरे को लग भी रही है कि उतनी सही में मैटर भी करती है। तुझे खुद ही फील होगा ब्रो, समझ रहा है? समझ रहा हूँ। तो होली पे यही हमको सीखना है, हमारे त्यौहार हमको यही सिखाते हैं कि लाइफ में थोड़ा लेट लूज करके एंजॉय करना भी ज़रूरी है। हर टाइम हर एक चीज़ को चेज ही करते रहेंगे तो जो चीज़ मिली है उसको एंजॉय कब करेंगे? आज जुम का दिन है, आज सामने वाली सोसाइटी को हरा देंगे, ये ले। अरे पक्का, देखते हैं कितने लोग हैं। हाँ भाई चल चल। ए
अबे ओ पिचकारी, ये तो जरा ज्यादा लोग है। अब सुन तू संभाल जरा, मैं आया अभी। आज नहीं छोड़ेंगे साले को। कौन मारा? फिर क्या, प्रणव के जीवन में रंग फिर से भर गए और सबने साथ में मिलकर होली बनाई। भाई होली हो तो ऐसी भाई जो फील आई है यार। मैं भी आया, रुको। अबे तेरी तो साले, रुक रुक रुक।